अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 6.2। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन की थी वेटेड अरिथमेटिक मीन और डिफरेंस देखा था वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड सिंपल मीन। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट मार्क्स और इसके रिस्पेक्टिव वेट्स गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? वेटेड अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट गिवन है, साथ उसके मार्क्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इफ द वेट्स अकॉर्डेड दिस मार्क्स आर, इसके रिस्पेक्टिवली क्या गिवन है, वेट्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, वेटेड अरिथमेटिक मीन एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। ठीक हो गया, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या, वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। जब भी इक्वल वेट्स की बात होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था वेटेड अरिथमेटिक मीन और सिंपल एवरेज या सिंपल अरिथमेटिक मीन, यानी कि सिंपल मीन। इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा था, जो सिंपल मीन होता है उसमें वेट्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो वेटेड अरिथमेटिक मीन उसमें वेट क्या होते हैं, अनइक्वल। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या क्या बात हो रही है, इक्वल वेट्स, यानी कि हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन हम लोगों ने फाइंड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, वेटेड अरिथमेटिक मीन। सेकेंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, सिंपल मीन, यानी कि एक्स बार सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये हमने फाइंड करना है। बेसिकली जो इसका सोल्यूशन है वो ये है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, अब क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में यानी कि ग्रुप फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, सब्जेक्ट हमने लिखे हैं इंग्लिश उर्दू मैथ हिस्ट्री एंड साइंस। इसके मार्क्स हमारे पास क्या थे स्टूडेंट्स के, इंग्लिश में क्या थे 73, उर्दू 83, मैथ्स 80, मैथ्स क्या है 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। ठीक हो गया, आप इसके रिस्पेक्टिव जो वेट्स हमें गिवन है वो ये गिवन है। ठीक है, इसी तरतीब से हम वेट लिखेंगे, क्या आ जाएगा 4, 3, 3, 2 एंड 2। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, वेटेड अरिथमेटिक मीन सम ऑफ डब्ल्यू एक्स, यानी कि पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स, यानी कि डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते जाएंगे, डब्ल्यू एक्स। ठीक हो गया, क्या आ जाएगा 73 मल्टीप्लाई बाय 4 292, 82 मल्टीप्लाई बाय 3 249 240। ठीक है, सब वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे 134 एंड 124। इन सब वैल्यू का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1039। ठीक हो गया, अब वेट्स का भी सम हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने सम ऑफ डब्ल्यू भी फाइंड करना है, क्या आ जाएगा 14। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, वेटेड अरिथमेटिक मीन, क्या आ जाएगा एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू सम डब्ल्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1039 सम ऑफ डब्ल्यू एक्स, सम ऑफ डब्ल्यू क्या आ जाएगा 14। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74.21। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार सिंपल अरिथमेटिक मीन,
एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स हमारे पास क्या है, इन वैल्यूज का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 365। ठीक हो गया, ये जो वैल्यूज हैं 73, 83, 80, 67, 62, इन सब वैल्यूज का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 365। एंड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73। ये हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड किया था हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन, दोनों पार्ट हमने फाइंड कर लिए हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी, समझ आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।